तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं, ईंधन की अत्यधिक खपत होती है, किन किन कारणों से ईंधन की जो खपत होती है, ईंधन के रूप में जैसे पेट्रोल और डीजल। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप बोलते हो कि हमारी गाड़ी कम एवरेज दे रही है, तो किन किन कारणों से वो क्या क्या हो सकते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ईंधन की अत्यधिक खपत के जो महत्वपूर्ण कारण है वो कौन कौन से हैं। ईंधन का लीक हो जाना। नंबर दो, कार्बोरेटर का सही तरह से कार्य न करना। एयर क्लीनर का कचरे से भरा होना। स्पार्क प्लगों का दोष युक्त होना। इग्निशन टाइमिंग का सही सेट न होना। आगे है, बाल्ब टाइमिंग का सही सेट न होना। पिस्टन रिंगों का घिस जाना। बाल्बों और बाल्ब सीट का घिसा होना। सर्किट ब्रेकर पॉइंटों का खराब होना। टायरों में कम हवा होना। क्लचों का स्लिप हो जाना। ब्रेकें जाम हो जाना। तो यह सभी कारण है आप जो आपकी गाड़ी की एवरेज को कम करते हैं। ये सभी ठीक होंगे तभी गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी और आपकी गाड़ी की अच्छी एवरेज आएगी। तो शुरू करते हैं। नंबर वन, ईंधन बचत के टिप्स बताएंगे आज आपको कि आपका जो ईंधन है वो किस तरह से ज्यादा खर्च हो रहा है, उसको कम करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर एक, एयर फिल्टर को साफ करें। जो एयर फिल्टर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और जो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग डिजाइन किए होते हैं। अगर गंदा एयर फिल्टर इंजन में हवा के बहाव को रोकता है तो उससे जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती है और ईंधन की ज्यादा खपत होती है, ईंधन हमारा ज्यादा बढ़ोतरी में खर्च होता है। अगर हमारा फिल्टर साफ होगा तो जो हवा का फ्लो हुआ वो सही मात्रा में इंजन के अंदर प्रवेश होगा, और अगर आपका फिल्टर गंदा है तो जो हवा का फ्लो होगा वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी जो ईंधन है पेट्रोल या डीजल गाड़ी है उससे ज्यादा मात्रा में ईंधन को खर्च करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंजन को ठीक तरह से ट्यून करके रखें। तो ये स्पार्क प्लग है जो कि पेट्रोल गाड़ियों में प्रयोग होता है और ये इंजेक्टर है जैसे कि आपकी डीजल की गाड़ी है। एक खराब स्पार्क प्लग या गंदा इंजेक्टर ईंधन की जो क्षमता है उसकी जो प्रतिशतता है उसको 30% कम कर देता है और खराब हुए स्पार्क प्लगों से अनियमित फायरिंग की संभावना बढ़ जाती है और इसका जो अनुमोदित ग्रेड के मोटर वायल होता है उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर स्पार्क प्लग खराब हो गया है तो उसको या तो उसका जो गैप है उसको चेक करवा लें कि गैप सही, जो स्पार्क प्लग का जो गैप होता है वो 0.010 से लेके 0.045 के बीच में होता है और इसको फिलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। और मैक्सिमम वैसे तो स्पार्क प्लग का गैप 0.5 से लेके 0.7 mm के बीच में होता है, परंतु जो गाड़ियां हैं उनको उनके लिए अलग अलग रखा जाता है, सभी गाड़ियों में अलग अलग रखा जाता है। और दूसरे नंबर पर आया हमारा इंजेक्टर। जो इंजेक्टर की नोजल होती है इसमें अगर कुछ कचरा वगैरह घुस गया हो पहले तो इसको एयर के प्रेशर के द्वारा निकाल दिया जाता है, अगर खराब हो गया तो इसको बदल दें। और इसका जो गैप होता है वो 0.45 होता है, 45 mm के बीच में होता है, बाकी अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग दिया होता है। अगर स्पार्क प्लग और इंजेक्टर ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो सही मात्रा में सही रहेगी। और नेक्स्ट पे आया, नंबर तीन पे आया, गैर जरूरी चीजों को हटा लें। अगर आपकी गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा चीज है जिससे गाड़ी में वजन ही बढ़ रहा हो तो उसको हटा लें।
उससे भी गाड़ी की जो एवरेज है वो कम हो जाती है। गाड़ी में जितना भार होगा उतनी ही अधिक ईंधन की जो खपत होगी वो ज्यादा होगी, और जो भारी वस्तुएं होती है जिनको आपको तुरंत उनकी जो आवश्यकता नहीं है उनको हटा लें अपनी गाड़ी से, नहीं तो ईंधन की जो खपत होगी वो बढ़ेगी। और अगर आप उन चीजों को हटा लें तो उससे जो ईंधन की खपत है वो कम हो जाएगी। आगे है एयर कंडीशन को कम करें। जब हम एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो इंजन पर अधिक लोड पड़ जाता है। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या किसी चढ़ाई पर चले रहते हैं तो जब हम एयर कंडीशन को ऑन कर देते हैं तो उससे जो ईंधन ज्यादा खपत होगा, अगर हमारी गाड़ी एक सीधी में चल रही है जैसे समतल में चल रही है, अब एयर कंडीशन आप ऑन करेंगे तो उससे जो उस एयर कंडीशन का लोड है वो ज्यादा नहीं होगा, वो बराबर मात्रा में रहेगा। आपने देखा होगा कि कभी हमने चढ़ाई अपनी गाड़ी का एयर कंडीशन सिस्टम ऑन कर देते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी और वो जो एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर होगा वो ज्यादा लोड अपनी तरफ आकर्षित करेगा और जो गाड़ी की स्पीड होगी वो कम हो जाएगी और जी उस उससे ईंधन बहुत ज्यादा खपत होगा। जब भी आपकी गाड़ी चढ़ाई के ऊपर चल रही हो तो एयर कंडीशन को अपने को बंद कर देना चाहिए और जो उसकी खपत होती है वो 20% अधिक बढ़ जाती है अगर एसी को ऑन रखें। अगर और गर्मियों के दिनों में क्या करें, अपनी जो गाड़ी है आपकी उसके खिड़की और दरवाजे खोलें और अंदर प्रवेश करने से पहले 1 मिनट पहले क्या करें कि जो अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर निकाल दें, उसके बाद आप एसी को ऑन करें। गर्मियों के दिनों में ऐसा करना चाहिए, जो गाड़ी के अंदर का जो मॉइस्चर होगा वो बाहर निकल जाएगा और जब आप एसी को ऑन करेंगे तो वो एक सही मात्रा में कार्य करेगा, उससे भी आप ईंधन की जो बचत है वो कम कर सकते हैं। और नंबर 5 पे आया, अधिक चौड़े टायरों का प्रयोग ना करें। जैसे ये गाड़ी है इसके बहुत ज्यादा चौड़े टायर हैं तो ऐसी टायर का प्रयोग ना करें जिससे भी ईंधन की ज्यादा खपत होती है। यदि आम टायरों की अपेक्षा चौड़े टायरों का आप प्रयोग करेंगे तो उससे जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और उससे जो ईंधन की खपत है वो भी बढ़ जाती है। जो कंपनी गाड़ी के अनुसार निर्धारित करती है उसी टायर को आप फिर से प्रयोग करें तो जो आपकी गाड़ी की जो खपत है वो कम हो जाएगी, जो ईंधन की जो खपत है वो कम हो जाएगी और आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। नेक्स्ट है सही ऑक्टेन का प्रयोग करें। ऑक्टेन होता है पेट्रोल गाड़ियों की जो रेटिंग होती है वो ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है और सीटेन नंबर होता है डीजल गाड़ियों के लिए, जो कि डीजल इंजन में डीजल इंजन की जो रेटिंग होती है वो सीटेन नंबर से जानी जाती है और सीटेन नंबर होता है 48 और ऑक्टेन नंबर होता है 95 या 95 से अप। आप ऐसा करें कि आपकी जो गाड़ी है उसमें डीजल या पेट्रोल गाड़ी है उसमें आप ईंधन को एक जगह ना भरवाएं, अलग अलग जगह भरवाएं और देख लें कि इस पेट्रोल पंप से अच्छी जो एवरेज है वो नहीं आ रही है तो दूसरे पेट्रोल पंप से भरवा लें। उसमें अगर ऑक्टेन नंबर अधिक होगा तो आपकी जो एवरेज है वो सही आएगी। और डीजल गाड़ियों में सीटे नंबर होता है, सीटे नंबर अगर अच्छी तरह होगा तो उसकी जो एवरेज है वो भी सही आएगी। आपने कई बार देखा होगा कि एक नॉर्मल पेट्रोल होता है जो गाड़ियों में मैक्सिमम लोग वही भरवाते हैं और कई पेट्रोल पंप पे जैसे स्पीड हो गया उसको भरवा लेते हैं, पर वो 1 या 2 रुपए उससे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो रेटिंग होगी ऑक्टेन नंबर की वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में होगी। जैसे नॉर्मल पेट्रोल है उसकी जो रेट है वो अगर आप मान लो कि
90 रुपये है और जो स्पीड है वो 92 का है, तो 90 से जो 92 का है उसकी जो एवरेज भी होगी वो ज़्यादा होगी और जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वो भी अच्छी होगी। कई बार पेट्रोल पंप पे मिलावट करते हैं तो उससे आपका जो पिस्टन होगा वो कार्बन की मात्रा ज़्यादा जम जाएगी। अगर अच्छा पेट्रोल नहीं होगा तो उससे जो पिस्टन होगा वो ज़्यादा मात्रा में कार्बन को इकट्ठा करेगा। ऐसी जगह पेट्रोल भरवाएं जिससे आपको अपनी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। नेक्स्ट है अधिक ठंडे समय के दौरान टैंक में ईंधन भरें। जब भी आप ईंधन अपनी गाड़ी में भरवाते हैं तो क्या होता है, ठंड के टाइम में जो ईंधन होता है वो घना होता है, घना तो समझते हो आप। ईंधन पंप ईंधन को मापते हैं न कि उसके घनत्व को। ठंडे समय के दौरान अधिक ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। ठंड के टाइम में आपको ईंधन भरवाना चाहिए, ना कि अगर आप जैसे गर्मियों में दोपहर को भरवाते हैं तो उस टाइम जो ईंधन होता है वो घना नहीं होता। ईंधन भरवाने का सही समय होता है या तो सुबह भरवा लो या शाम को। एक और पॉइंट है, जैसे कि सही टायर प्रेशर बनाए रखें। कम हवा वाला टायर रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ाता है और जो वाहन की जो ईंधन की क्षमता होती है उसको कम कर देता है। अगर आपके टायर में हवा ठीक होगी, जो कंपनी निर्धारित करती है कि आपकी गाड़ी में 33 पाउंड पाउंड या 32 पाउंड की है, तो चेक कर लें ड्राइवर साइड की जो खिड़की होती है उसके पास में दिया होता है कि आपकी गाड़ी में कितनी हवा भरी जाएगी, उसी के निर्धारित आपको गाड़ी में हवा भरवानी चाहिए जिससे कि आपकी जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाए। अगर गाड़ी में कम हवा होगी तो टायर घिसने का ज़्यादा खतरा होगा और जो गाड़ी की जो एवरेज है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी उससे। अगर सही मात्रा में जो निर्धारित करती है कंपनी की आपके टायर में इतने प्रेशर की जरूरत है, तो आपको उतने ही प्रेशर से अपनी जो गाड़ी की जो टायरों की हवा है वो भरवानी चाहिए। और एक और पॉइंट है, जैसे कि कार धीमी करें, स्लो डाउन करें, तो जल्दी जल्दी करना और ब्रेक लगाना, जैसे आप गाड़ी को चला रहे हो एक स्पीड पे तब तो ठीक है, जैसे आप कभी 80 पे चला रहे हो, कभी 60 पे चला रहे हो और जल्दी से उसको ब्रेक कर रहे हो तो क्या होगा, उससे भी जो आपकी गाड़ी है उसकी परफॉर्मेंस वो कम हो जाएगी और आपकी जो फ्यूल की मात्रा है वो ज़्यादा खपत होगी। और इससे बचने के लिए आपको एक, जैसे आपकी गाड़ी है 40 से 60 के बीच में अगर आप अपनी गाड़ी को चलाते हो तो उससे आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो सही मात्रा में रहेगी और गाड़ी भी लंबे समय तक अधिक परफॉर्मेंस करेगी। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।